तो फ्रेंड, पिछले वीडियो में हमने इस राउटर का अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाए थे, तो आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में जो डीलिंग का राउटर है। तो इस राउटर को आज मैं रिपीटर मोड में सेट करके आपको दिखाने वाला हूं। तो इसका जो रिक्वायरमेंट है, मेरे एक दोस्त ने मुझे दिया है। उनके घर के नज़दीक किसी और वाईफाई का सिग्नल आ रहा है, तो मेरा वो जो दोस्त है वो बिना कोई वाईफाई कनेक्शन लिए बगैर सेम वाईफाई नेटवर्क को यूज़ करना चाहता है। तो इसके लिए थोड़ा सा तो मेरे पास आया था, तो मैंने इसको ये राउटर का सजेस्ट किया। तो इसका सेटअप करके हम आज देने वाले हैं बिना कोई वाईफाई कनेक्शन के, एक फ्री वाईफाई नेटवर्क जिसके पासवर्ड उसके पास पहले से ही है। तो उस पासवर्ड का और उस सेम नेटवर्क का नाम यूज़ करके मैं इस राउटर को रिपीटर मोड में सेट करने वाला हूँ। तो ये जो राउटर है, इस राउटर को आप चाहे तो राउटर मोड में भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस पॉइंट के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको रिपीटर मोड में एक्सेस करने वाला हूँ। तो चलिए हम इस राउटर को टैप के ज़रिए सेटअप करके आपको दिखाते हैं। और एक बात फ्रेंड, इसमें कनेक्ट करने के लिए इस राउटर को, तो पहले से इसमें एक WSP पिन आप देख पा रहे हैं और डिफ़ॉल्ट ID और पासवर्ड एडमिन है। तो ये सेम ID और IP एड्रेस यूज़ करके हम इसको लॉगिन करने वाले हैं। तो चलिए इसको हम सेटअप करके आपको दिखाते हैं और टैबलेट में आपको ले चलते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले आपका जो नया राउटर है उसमें आप पासवर्ड से कनेक्ट कर लीजिए, और अगर आपका मोबाइल डेटा ऑन है आप उसको ऑफ़ कर लीजिए, नहीं तो आपका IP एड्रेस सही से लॉगिन नहीं होगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हम वाईफाई में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे दिखा रहा है साइन इन रिक्वायर्ड। तो फिलहाल यहाँ पे हम इसको कनेक्ट करेंगे और मेरा देखिए आप दूसरा एक वाईफाई में हमारा फिलहाल कनेक्ट हो चुका है, तो हम उसको डिसकनेक्ट कर देंगे। डिसकनेक्ट करने के बाद हम DIR 615 पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। फर्स्ट टाइम आप अगर सेटअप करना चाहते हैं तो, और इसका जो लॉगिन करने के लिए पासवर्ड आपको राउटर के पीछे मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एक पेज ओपन हो रहा है ऑटोमेटिकली गूगल क्रोम ओपन होके, और ओपन होने के बाद आपको एक यहाँ पे स्टार्ट बटन आ रहा है, तो आपको स्टार्ट बटन पे डायरेक्टली सिंपली क्लिक करना है। तो सिंपली क्लिक करने के बाद आपको लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है, मैं यहाँ पे इंग्लिश सेट कर रहा हूँ और सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। एडवांस में हमें नहीं जाना है अभी, तो मैं फ़िलहाल इसमें कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्शन मेथड आपसे पूछा जाएगा, तो आप किस तरह से कनेक्ट करेंगे, वायर से या वायरलेसली। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे वाईफाई से रिपीट करूँगा, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कनेक्शन मेथड को हम वाईफाई में सिलेक्ट करेंगे। अगर आप वायर से कर रहे हैं रिपीट तो आप वायर का यूज़ कीजिए, मतलब वायर सिलेक्ट कीजिए, वायर्ड कनेक्शन। तो मैं यहाँ पे वाईफाई का यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका मतलब हमें वाईफाई से करना है। और वर्किंग मोड पे आपको सिर्फ रिपीटर में रखना है, क्लाइंट पे नहीं रखना है, WISP रिपीटर में भी नहीं रखना है, आपको नॉर्मली रिपीटर मोड में रखना है। अगर रिपीटर मोड में रखेंगे तो आप इस राउटर का अलग से IP एड्रेस बिठा सकते हैं, और अलग से IP एड्रेस बिठाने का मतलब है आप चाहे तो इस आपका रिपीटर राउटर का पासवर्ड आप जब चाहे चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे वाईफाई और रिपीटर मोड में, वर्किंग मोड को रिपीटर मोड में सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे दोस्तों कनेक्शन सही से देखिए, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो IP एड्रेस है 192.168.0.1 सेट है, तो मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि हम जिस वाईफाई राउटर को रिपीट करेंगे उसका बाय डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस यही सेम रहेगा। अगर दोनों राउटर में सेम IP एड्रेस रहेगा तो हमारा राउटर काम नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे दूसरा एक IP यूज़ कर रहा हूँ 50 डाल के, तो 192.168.0.52 का 50 का यूज़ करूँगा, क्योंकि इस IP को शायद उसने यूज़ नहीं किया। और कोई भी सेटिंग आपको चेंज नहीं करना है, उसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा एक पेज आया है, तो यहाँ पे हमारा मैनुअली नेटवर्क नेम कुछ भी नहीं डालना है, BSSID कुछ भी नहीं डालना है, नेटवर्क ऑथेंटिकेशन कुछ भी नहीं डालना है। आप नीचे देख सकते हैं एक ऑप्शन है वायरलेस नेटवर्क नाम का, एक ब्लू कलर का ऑप्शन है, उसमें आपको सिंपली क्लिक करना है। तो क्लिक करेंगे तो आपका आसपास जितने भी वायरलेस नेटवर्क है वो सारे नेटवर्क स्कैनिंग होके यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। तो हम वायरलेस नेटवर्क पे क्लिक करते हैं,
तो क्लिक करने के बाद फिलहाल यहाँ पे जैसे कि हमारा दो वायरलेस नेटवर्क शो हो रहा है, तो हम पहले वाला को हम सिलेक्ट कर लेते हैं टीपी लिंक 9C4C को, और नेटवर्क ऑथेंटिकेशन में ऑटोमेटिकली जो आ रहा है हम वही डालना है, और पासवर्ड के जगह पे आप जिस वाईफाई राउटर को रिपीट कर रहे हैं उस राउटर का पासवर्ड आपको डालना है। जैसे टीपी लिंक का पासवर्ड मेरे पास पहले से है, तो उस राउटर का पासवर्ड आपको इसमें डाल लेना है, यहाँ पे इंटर कर देना है सही से। फ्रेंड अगर आपके पास वाईफाई का पासवर्ड है किसी फ्रेंड का, किसी रिश्तेदार का, आस पड़ोस का, तो आप चाहे तो उसको भी रिपीट करके अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे पासवर्ड इंटर कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 20 नहीं, यहाँ पे जो पासवर्ड है मैं इसको रख रहा हूँ, और इंक्रिप्शन टाइप में नॉर्मली यही ऐसी रहेगा, कोई भी चेंजेस आपको नहीं करना है। फ्रेंड आपको सिर्फ इस पेज में सिर्फ जिस वाईफाई राउटर को आप रिपीट कर रहे हैं उसका पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना है, और सारे सेटिंग सेम ही रहेगा, आपको मैनुअली कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ पासवर्ड ही आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको नेटवर्क नेम मतलब आप जो नया राउटर से रिपीट कर रहे हैं आपके पास है उस राउटर का नाम आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे टीपी लिंक एक्स्ट्रा आ रहा था तो मैं इसको फ़िलहाल चेंज कर देता हूँ, और पासवर्ड भी चेंज करूँगा, पासवर्ड जहाँ राउटर के पीछे पहले से लिखा हुआ है वो सेम पासवर्ड हम नहीं यूज़ करेंगे, नहीं तो कोई भी राउटर देख के उसका पासवर्ड पता लगा। तो इसीलिए नेटवर्क नेम में मैं सिर्फ डॉट डाल रहा हूँ, इसीलिए ताकि किसी को पता ना चले मेरे पास भी एक वाईफाई राउटर है। और पासवर्ड के जगह पे हम यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ भी पासवर्ड डाल देते हैं, जैसे कि मैं 2024 2024 8 डिजिट का पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। ये जो पासवर्ड है हमारे पास जो राउटर है उसका पासवर्ड है फ्रेंड, आप ध्यान रखिए। और यहाँ पे चेंजिंग वेब बेस्ड इंटरफेस पासवर्ड चेंज करने के लिए बोल रहा है, मतलब आपके पास जो राउटर है उसमें लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम तो एडमिन है, पासवर्ड भी फ़िलहाल एडमिन ही है, लेकिन यहाँ पे पासवर्ड चेंज करने के लिए बोल रहा है। तो इस पासवर्ड को भी हम अपने हिसाब से 2024 2024 रख रहा हूँ। इसी पासवर्ड से आप अपना राउटर का सेटिंग चेंज कर सकते हैं, आपके पास जो राउटर रिपीट के लिए है वही राउटर का आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो सारे नेसेसरी सेटिंग हो जाने के बाद हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल आप चाहे तो सेव कर सकते हैं, मैं फ़िलहाल यहाँ पे सेव कर रख रहा हूँ ताकि आगे हमें काम पे आ जाए। और यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करने के बाद आपका जो आईपी एड्रेस हो वो चेंज होके 192.168.0.50 पे ऑटोमेटिक सेट हो चुका है फ्रेंड, तो पुराना वाला आईपी एड्रेस आपको काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वाईफाई डॉट नाम का एक वाईफाई सिग्नल आ रहा है, तो हम इसमें 2024 2024 पासवर्ड डाल के ऑटोमेटिकली कनेक्ट भी कर चुका हूँ मैं पहले से। तो कनेक्ट हो जाने के बाद तो चलिए फ्रेंड हम आगे का प्रोसेस आपको दिखा देते हैं किस तरह से आप वेब में जाके आपका राउटर का पासवर्ड जब चाहे चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको गूगल क्रोम में सिंपली चले जाना है, गूगल क्रोम में जाने के बाद आपका जो नया आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। आप नया आईपी जैसे लास्ट में 50 है 192.168.0.50 इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है, और यूज़र नेम के जगह पे आपको यूज़र नेम एडमिन ही रखना है, और पासवर्ड आपने जो सेट किया वही पासवर्ड आपको एंटर करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा इसमें राउटर में लॉगिन हो चुका है फ्रेंड। आप सेटिंग में जाके और वायरलेस नेटवर्क पे जाके आप चाहे तो इसका आपका जो वाईफाई का नेम जैसे मेरा डॉट है आप चाहे तो अपने मर्जी से रख सकते हैं, और पासवर्ड भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और आप चाहे तो लोकल आईपी एड्रेस जैसे मैं 50 सेट किया उसको भी आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मेरा सारे काम प्रोसेस हो जाने के बाद मैं इसको ये लॉग आउट कर रहा हूँ, और हमारा राउटर रिपीट होने के बाद काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं फ़िलहाल यहाँ पे YouTube को ओपन कर लिए, और आप देख सकते हैं YouTube पे हमारा सारे पेज ओपन हो रहा है फ्रेंड। तो मैं फिर से आपको एक स्पीड टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ, तो हम सिंपली स्पीड टेस्ट पे क्लिक करके आपको स्पीड टेस्ट करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे लगभग 7 Mbps का डाउनलोड स्पीड हमारा आ रहा है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छा खासा स्पीड है, और यहाँ पे अपलोड स्पीड भी 6 Mbps के आसपास हमारा आ रहा है फ्रेंड। तो हमारा राउटर रिपीटर मोड में सही से काम कर रहा है, बस आपको एडेप्टर से पावर दे के कहीं पे भी जहाँ पे सिग्नल आ रहा है उसमें आपको प्लेस करके रख देना है फ्रेंड, आपका वाईफाई बिल्कुल आसानी से चलेगा। तो फ्रेंड ये था आज का वीडियो, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो आपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड, और पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।